जी शाह साहब, मैंने 6 अक्टूबर को वजीफा लिया था कारोबार के लिए ही ना, हमारा ऑनलाइन काम था, तो मुझे तकरीबन कोई 3 से 4 दिन हुए थे वजीफा करते हुए। पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल कोई पैसा नहीं था हमारे पास। मैंने अपनी एक चूड़ी सेल करनी थी सुबह, तो रात में मुझे ख्वाब में से इशारा, किसी ने मुझे साफ, बिल्कुल साफ साफ कहा कि आपने चूड़ी जेवर अभी रहने दो, तो ऐसे ही काम चलाने की कोशिश करो ना। ऐसे ही काम चलाने का मतलब था कि रीसेलिंग करो ना ऐसे। तो शाह साहब, मेरे पास आप यकीन करें कोई भी पैसा नहीं था, और तब से लेके अभी तक 8 महीने हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, मेरे वजीफे में गैप नहीं आया कभी। तो तब से लेके अब तक मेरा काम ऐसे ही चल रहा है, और सारे काम बड़े स्मूथली, मतलब आराम से। सारा खर्चा, मेरा खर्चा बेशुमार था, और सारे काम आराम से हो रहे हैं अभी तक। अल्लाह का शुक्र है कि बीच बीच में कभी कभी स्ट्रक हो जाता है, लेकिन ये है कि ठीक हो जाता निकल है फिर जाता से। है, जी स्टक होता है तो निकलता है। हमेशा याद ठीक है, रखो, योर फॉल टू निकल जाता राइज, है। इफ यू आर स्टक दैट मीन्स यू विल गेट जी आउट ऑफ इट। ये वजीफे का कानून है, इफ यू फॉल यू विल राइज अगेन। ये वजीफों का कानून है, एज लॉन्ग के पढ़ने जी वाला हो। बाजी अल्लाह ताला ब्लेस यू, और ये इंशाल्लाह इसमें से भी निकल जाएंगे। चोरी चाड़ी मत बेचना, छोड़ दो उसको। इंशाल्लाह।